लेकिन मध्य प्रदेश का देखिए, दर्शकों को मध्य प्रदेश के दर्शक भी जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 5 बजे तक का डेटा जो आया, 67% मतदान दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में 70% के आसपास मतदान जो है, जानकारी 5 बजे तक की जानकारी आ रही है। छत्तीसगढ़ में मतदान का समय तो खत्म हो गया, अभी तक का डेटा बता रहे हैं आपको, ये फाइनल डेटा नहीं है। फाइनल डेटा और निकलकर सामने आएगा, चुनाव आयोग प्रेस वार्ता करेगा। मध्य प्रदेश में 5 बजे तक 70.9 यानी 71 के आसपास और 67.34% छत्तीसगढ़ में वोटिंग अभी तक दर्ज की गई है। सतना में 5 बजे तक 66.52% मतदान हुआ है। सिवनी में 78.61% मतदान, तो सिवनी में बम्पर वोटिंग देखने को मिली है और कुल मिलाकर 70.99% मतदान हुआ है। अशोक बजाज साहब, मैं आपके पास फिर से आता हूं। आपने कहा है कि बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन ये जो डेटा अभी तक निकल कर आया है, छत्तीसगढ़ इसके लिए तो नहीं जाना जाता। 67.34 5 बजे तक का डेटा आया है। अशोक जी, साइड में अशोक जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूं। अशोक जी, छत्तीसगढ़ में 67.34% 5 बजे तक का वोटिंग का आंकड़ा आया है, क्या ये अच्छा मानेंगे हम? ग्रामीण क्षेत्रों में 80% से ऊपर मतदान है। मैं अभी ग्रामीण इलाके में ही हूँ जी, और हर बूथ में 80% से ज्यादा मतदान हुए हैं। लोगों ने इस लोकतंत्र के महापर्व को बहुत उत्साह के साथ मनाया और स्वस्फूर्त जाकर वोट डाला है। और ये जो वोट का उत्साह जो है, मतदाताओं का जो उत्साह है, ये परिवर्तन का दृष्टिगोचर है। परिवर्तन हो रहा है, बदलाव की बयार बह रही है। नहीं तो ये वोटिंग, अगर देखिए, आप कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा वोटिंग परसेंटेज है और ग्रामीण वोट बैंक को साधने के लिए ही तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हम कर्ज माफी करेंगे। कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया कि हम 3200 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे, जबकि बीजेपी ने कहा 3100 रुपए। तो ये क्या आपको नहीं लगता कि ये मामला उल्टा तो नहीं पड़ेगा आप लोगों पर? देखिए, बार बार इन्होंने जिस ढंग से झूठ बोला, 5 साल तक लोगों को गुमराह करके रखा, वादा खिलाफी की, जितने भी वादे इन्होंने किए धान के समर्थन मूल्य पर। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र की अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो वहां के मुद्दों की बात करना चाहिए हमको। तो ग्रामीण क्षेत्र की आप जो वादा खिलाफी की बात कर रहे हैं, धान के समर्थन मूल्य का वादा किया था उन्होंने, वो पूरा किया, तो क्या ये एक मुद्दा रहा कि 3200 रुपए उन्होंने वादा कर दिया? अब तो ये नतीजे तो पता 3 तारीख को पता चल ही जाएंगे। गंगा जल की सौगंध खाई थी इन्होंने, शराबबंदी करेंगे, नशा मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे इन्होंने कहा था, वो पूरा नहीं हुआ। स्वयं सहायता समूह का कर्जा माफ नहीं हुआ। किसानों को इन्होंने कहा था कि हम पेंशन देंगे, वो भी नहीं दिया। बेरोजगारी, प्रकाश जी, शराबबंदी को लेकर के कई आरोप लंबे वक्त से लगते आ रहे हैं और नाराजगी छत्तीसगढ़ वासियों में लगातार हम देख रहे हैं। आखिर क्या लगता है, ये मुद्दा भी प्रभावी रहेगा? महिलाओं में आक्रोश है कैसे लेकर के, क्योंकि वादा पूरा नहीं हुआ बल्कि ये आरोप लगते रहे कि घर घर शराब पहुंचाई गई है। देखिए, एक चीज मैं बोलूंगा, ये गंगा जल से शराब को जोड़ने का काम ये बीजेपी कर सकती है। हमने गंगा जल हाथ में लेके कर्ज माफी की बात की थी और गंगा जल को शराब के साथ जोड़ने का काम, देखिए वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये दिखता है। गंगा जल जैसे पवित्र चीज को शराब के साथ जोड़ते हैं। देखिए, आपने बात की शराबबंदी की, भाई हम तो शराबबंदी के तरफ बढ़े हुए ना। देखिए, हमने 65% कदम बढ़ा रखे, बढ़े हुए घर घर पहुंचा के। मैं बता रहा हूँ, 150 से ज्यादा दुकानें बंद की हमने, 10 से 15% कमी आई है। और घर घर जो की बात करिए, वो सबसे पहले आपको भी मालूम होगा, आप इतनी बड़ी पत्रकार हैं, कि मोदी जी की गाइडलाइन आई थी सबसे पहले, वहां से गाइडलाइन जो प्रदेशों ने उसको लागू किया था कि आप ऑनलाइन बेच सकते हैं, ये हर प्रदेश में लागू हुआ था। तो हमने किया था, कोरोना के समय था, उसके बाद ये नहीं ना कि बाद में चल रहा है, ये तो मोदी की सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, तो उसकी वजह से था। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो पैसा भी आता है लोगों के मकान बनाने के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। अरे फिर वही बात, मकान की भी बात कर लेता हूँ। 2100 करोड़ रुपए हमने दिए, 5 साल में हमने 11 लाख से ज्यादा मकान बना के दिए और इन्होंने कितना बना के दिए, 2,30,000। फिर भी वादा करना पड़ रहा है, फिर भी वादा करना पड़ रहा है कि और मकान बना के देंगे। मकान के ऊपर सियासत चल रही है कि हम घर बना कर देंगे। छत्तीसगढ़ में 67.64% 3-4% वोटिंग हुई है। धमतरी जिले में सबसे अधिक मतदान दर्ज किया गया है। जो हमारे सहयोगी उस वक्त हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि 79.89% ये बढ़ जाएगा। लेकिन बिलासपुर, जिसकी हम बात कर रहे थे, शुरुआत से कम पर चल रहा था और सबसे कम मतदान अभी तक जो जानकारी आई है यहां से दर्ज किया गया, 61% के आसपास
मतदान हुआ है बिलासपुर से। बिलासपुर न्यायधानी कहा जाता है, बिलासपुर को छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी भी कहा जाता है। तो यहां पर वोटिंग परसेंटेज कम क्यों है, हमारे साथ दो गेस्ट जो जुड़े हुए हैं उन्हीं से जान लेते हैं। सत्य प्रकाश जी, यहां से वोटिंग परसेंटेज बिलासपुर से कम निकल कर आना, ये क्या बता रहा है? देखिए इसमें मैं ऐसे कम है ये बहुत दुख की बात है, मगर देखो कम के परसेंटेज की वजह मेरे को जो व्यक्तिगत तौर पर लगता है कुछ तो भी छुट्टियों का माहौल चल रहा था, काफी लोग बाहर चले गए, एक छठ का है यहाँ पे, छठ की वजह से भी लोग बाहर जाते हैं अपने जहाँ उनका पुरानी घर रहता वहां जाते हैं, तो मेरे को जो व्यक्तिगत तौर पर लगता है इसकी वजह से भी हो सकता है, जिसके कारण हमारी पार्टी ने मांग भी की थी कि इसको थोड़ा पोस्टपोन किया जाए, तो ये एक दो कारण हो सकते हैं। हालांकि फिर भी देखा जाए तो लोगों ने बढ़ चढ़कर